Subscribe and press the bell icon for latest update. न्यूज़ एक बार फिर से मैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक अहम मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये मुद्दा जुड़ा है एक भाजपा मंत्री से। जी हां, भाजपा मंत्री से जो कि मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री हैं और उनको लेकर बड़ी खबर सामने आई। खबर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा साल 2019 की तरफ फोकस कराना चाहूंगी। साल 2019 में देश में होने वाले हैं आम चुनाव और इस बार हर किसी के जहन में ये सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से देश के दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। अब ये कैसे होगा ये तय करेगी, ये फैसला करेगी देश की जनता, जो अपनी वोट की ताकत से जवाब देगी कि आखिर भाजपा पूर्ण बहुमत से आएगी या फिर प्रदर्शन उसका गिरेगा या फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। यानी कि देश की जनता जनता जनार्दन है, अपनी वोट की ताकत से तय करेगी कि आखिर कौन किसका अपने वोट की ताकत से तय करेगी पीएम मोदी का भविष्य कि क्या वो आगे अगले प्रधानमंत्री फिर से बनेंगे देश के। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश में एक मंत्री का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसने पीएम मोदी के सम्मान की धज्जियां उड़ाती हैं। जी हाँ, पीएम मोदी जो कि महिलाओं को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे उससे पहले उन्होंने कई रैलियां की जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्हें बहुत ज्यादा बहुत बातें कही, बहुत प्रतिबद्धता जताई कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बहुत बड़े वादे किए, बहुत दम भरे और यूपीए सरकार की जमकर आलोचना की थी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उस वक्त निर्भया कांड भी सामने आया था तो इस मुद्दे को लेकर जमकर घेरा था भाजपा ने कांग्रेस को। लेकिन अब वही भाजपा सत्ता पर काबिज है लेकिन महिलाओं की सुरक्षा का क्या, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किसी तरह के कोई वादे कोई भी बातें सफल नहीं हो पा रही हैं। जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं भी पृष्ठभूमि पर नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएम मोदी ने अपने भाषणों अपनी रैलियों के दौरान कही थी उसमें वो कहीं ना कहीं खरा साबित नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसे में हालांकि पीएम मोदी हमेशा ही महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था महात्मा गांधी के बयान को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए कहा था कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो दो परिवार नहीं दो पीढ़ियां भी शिक्षित हो जाती हैं। इसके साथ ही उन्होंने संसद में महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी कहा था कि ये जल्द से जल्द पास होना चाहिए लेकिन फिलहाल अभी तक इस पर कोई बात नहीं बनी है। बात कर रही हूँ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तो पीएम मोदी महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं। कई बार उन्होंने अपने कार्यकाल में कई ऐसी बातें कही, ऐसे कार्य किए हैं जिस पर उनकी काफी वाहवाही भी की जा रही है। अगर मैं मुस्लिम महिलाओं की बात करूँ, अल्पसंख्यक महिलाओं की बात करूँ तो मेहर प्रथा हो या तीन तलाक हो या फिर अन्य मुद्दे हो उसको लेकर लगातार जिस तरह से मोदी सरकार अपनी कार्य प्रणाली को बढ़ा रही है, अपने कार्य कर रही है, ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से अगर मैंने यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की बात की है तो इसलिए बात की है क्योंकि अगर मैं यूपी विधानसभा चुनाव की बात करूँ और जिस तरह से उपचुनाव की बात करूँ तो इसमें मुस्लिम महिलाओं का गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करूँ तो मुस्लिम महिलाओं ने भी मोदी सरकार को वोट दिया है और कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो अहम योगदान था वो था तीन तलाक का। हालांकि तीन तलाक बिल अभी पास नहीं हो पाया है, राज्यसभा में ये बिल अटका हुआ है। ऐसे में अब ऐसी गुंजाइश ऐसी बातों ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही कि हो सकता है ये बिल जल्द से जल्द राज्यसभा से भी पास हो जाए। फिलहाल अभी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रही हूं तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी के एक मंत्री ने खुद महिला सुरक्षा को तार तार कर दिया है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मंत्री हैं जिन्होंने एक एसिड पीड़िता के साथ बदतमीजी की है और होटल के बंद कमरे में उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की है। कौन है ये मंत्री और आखिर इन मंत्री का नाम क्या है और क्या है पूरा मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले साल प्रधानमंत्री बनने का सपना उनके ही एक मंत्री की करतूतों से टूट सकता है। बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र नामदेव को एसिड अटैक पीड़िता की इज्जत से खिलवाड़ करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सिलाई कला मंडल के उपाध्यक्ष पद से हटाए जा चुके बीजेपी मंत्री ने खुद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो वहीं इस बारे में पुलिस ने जानकारी दी है कि साल 2016 को सिवनी निवासी युवती पर एसिड अटैक हुआ था और लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कहकर मंत्री ने पहले उसे फंसाया और उसके बाद नौकरी दिलाने की बात कहते हुए लगभग चार महीने पहले साल 2017 को उन्होंने राजदूत होटल के कमरा नंबर 106 में उसे बुलाया। पुलिस ने बताया कि मंत्री ने पहले
होटल के बंद कमरे में लड़की से अश्लील हरकतें की, उसके बाद जबरदस्ती उसके कपड़े उतारे। यही नहीं, इसी दौरान उन्होंने मोबाइल से लड़की की अश्लील तस्वीरें भी खींच ली और जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पहले तो पीड़िता डर की वजह से चुप रही, लेकिन बीती 18 फरवरी को उसने हनुमानगंज थाने पहुंचकर राज्य मंत्री नामदेव के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस बारे में मंत्री का कहना है कि पुलिस और कोर्ट के सामने वो अपनी बेगुनाही के सबूत पेश करेंगे। एएसपी राजेश सिंह भदौरिया ने बताया है कि पीड़िता सिवनी की रहने वाली है। साल 2016 में लड़की पर हबीबगंज थाना क्षेत्र में एसिड अटैक हुआ था। पुलिस ने बताया है कि भाजपा मंत्री राजेंद्र नामदेव ने इसी के बहाने पहले लड़की से हमदर्दी दिखाई, फिर सहायता करने की कोशिश के बहाने उसके करीब आ गए। इसी बीच इस मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस इस मसले पर भाजपा को जमकर घेर रही है। खैर, जिस तरह से बीजेपी मंत्री की करतूत सामने आई है, उसने पीएम मोदी की उन उम्मीदों को करारा झटका दिया है जो कि वो हमेशा ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कहते रहते हैं। तो देखा आपने, ये मंत्री, इन मंत्री का नाम है राजेंद्र नामदेव, जो कि भाजपा सरकार में दर्जा राज्य मंत्री हैं। और ऐसे में जो पीड़िता के बारे में जानकारी सामने आई, साल 2016 में पीड़िता एसिड का शिकार हुई थी। उसके बाद ये पीड़िता अब इन मंत्री की गंदी करतूतों का शिकार हो गई है, गंदी नीयत का शिकार हो गई है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कहाँ है आखिर मोदी सरकार में, मोदी के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा। ऐसे में कांग्रेस जो है भाजपा को जमकर घेर रही है। एक फिर से मुद्दा मिल गया है कांग्रेस को महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। और भाजपा वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने दम भरा था साल 2014 में और कहा था कि महिलाएं कहां सुरक्षित है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत से वादे किए थे, बहुत सी घोषणाएं की थी, अपने विजन डॉक्यूमेंट पे बहुत सी चीजें कही थी। लेकिन अब उन्हीं के मंत्री, बीजेपी के मंत्री ही इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत के साथ खेल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हम जो कहते हैं वो करते क्यों नहीं है। कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। और अगले साल जैसा कि मैंने कहा लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश के ये मंत्री हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं किस तरह से ये मुद्दा जोरों शोरों से उठाया जा सकता है आगामी दिनों में। और ऐसे में बीजेपी का जीतना मुश्किल हो सकता है, या फिर इस मुद्दे से कहीं ना कहीं बीजेपी का जो प्रदर्शन बीते विधानसभा चुनाव में रहा है वो प्रदर्शन गिर सकता है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पीएम मोदी सपना बुन रहे हैं कि अगले साल वो प्रधानमंत्री बनेंगे, बीजेपी फिर से पूर्ण बहुमत से आएगी, जनता उन्हें निराश नहीं करेगी, उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाएगी और फिर से जनता अपना साथ पीएम मोदी के, जनता का हाथ पीएम मोदी के साथ होगा। तो ऐसे में पीएम मोदी जो सपना देख रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री बनने का, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी मंत्री की करतूत ने उसमें खलल डाल दी है, एक खलल डाल दी है और कहीं ना कहीं खतरे का सबब साबित हो रहे हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि लगातार भाजपा के कई नेता हैं जो इस तरह से अमर्यादित, जो ऐसी मर्यादा को पार करने वाले सारे कारनामे कर रहे हैं। अभी बीजेपी सांसद है जिन्होंने बहुत ही मर्यादा को पार करते हुए अपनी सीमाएं लांघते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तुलना एक जानवर से कर दी। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीजें सामने आ रही हैं कि जहां पर पीएम मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह से वो एक अभियान की शुरुआत करते हैं, उसके तहत वो महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं की भी पुरुषों की बराबरी भागीदारी है और देश में दोनों ही जो है महिला और पुरुष दोनों के विकास से ही देश विकास कर सकता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि भाजपा जो सत्ता पर काबिज है, जिसकी सरकार राज्य सरकार, जिसकी राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार है, वो भाजपा जो मंत्री हैं वो लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रहे हैं, महिलाओं की इज्जत से खेल रहे हैं। ऐसे में आप सोचिए जरा कि जिस जनता जनार्दन ने जिसको चुनकर भेजा है, एक मंत्री का भिजवाया है, एक मंत्री बनवाया है, आज वो अपने रसूख वाले का किस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करना चाहूंगी, वो लगातार अपने सांसदों को एहतियात बरतने के लिए कहते हैं, चाहे वो भाषा शैली हो, वाक्य शैली हो, चाहे वो बयान हो, चाहे वो किसी तरह की कोई बात हो, हमेशा ही अपने सांसदों को कहते हैं कि आप हमेशा एक संयमित व्यवहार अपनाइए, किस तरह से बोलना है, किस तरह से कहना है और कहां पर कैसा व्यवहार करना है, इसको सीखिए। लेकिन जिस तरह से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों की को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कारनामा एक गंदा काम कर दिया है, वो वाकई बहुत बड़े सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर पीएम मोदी के सम्मान की वैल्यू क्यों नहीं है, आखिर उनके मंत्री क्यों नहीं सम्मान कर रहे हैं, बीजेपी के जो नेता है वो आखिर क्यों नहीं पीएम मोदी की बातों का सम्मान कर रहे हैं।
हैं, क्या वाकई अब उनके उनका जो ओहदा इतना बड़ा हो गया है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे, क्या वाकई उन्हें इस बात का डर नहीं रहेगा, ना कानून का खौफ है, ना उन्हें संविधान का खौफ है, ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ है, बस उन्हें वही करना है जो वो कर रहे हैं। वाकई बहुत बड़ा सवाल है, बहुत शोचनीय विषय है कि जिस तरह से इसमें सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं, इसमें कई अन्य पार्टियों के नेताओं के खिलाफ भी इस तरह के केस सामने आ चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी मंत्री की बात की जा रही है, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी मंत्री की करतूत सामने आई है, वो अपने आप पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। हालांकि कार्रवाई चल रही है, अब देखना होगा मंत्री पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, या फिर अन्य केसों की तरह ये केस भी बस मीडिया की चर्चाओं में आकर फिर से छुप जाएगा। तो दर्शकों, आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही, कल फिर से एक अहम मुद्दा लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।